हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक वीडियो लेके आई हूँ प्लाजो की। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक रियॉन का कपड़ा है, ये देखिए। और इसको हमने अब साइज इसका चेक करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा 2.25 मीटर कपड़ा है, लेकिन हमारा 2.25 पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें से बच जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए, सीधा कपड़ा अंदर, उल्टा कपड़ा हम बाहर करेंगे, और जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा या कान आएगा उसको हम काट देंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए, बहुत थोड़ा सा आया है, इसको हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए, ये खुली साइड हमारे पास है, हमने अपनी तरफ रखी है। और अब कपड़े की दूसरी जो किनारी वाली साइड है उसको भी पकड़ कर हम, ये देखिए, ऐसे चार तह में अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, खुली साइड हमारी तरफ, वन साइड बाहर की तरफ। ये देखिए, इस साइड हमारा खुला कपड़ा है, ये देखिए, और इस साइड बंद है। तो जिधर खुली साइड है उस उधर से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो कपड़ा बचे, वन साइड बचे हमारा। तो देखिए, एक फीटे की चौड़ाई लगभग 1.25 इंच के आसपास हम मार्जिन का लेंगे, जो ये मुड़ेगा नीचे। अब हम इसकी लंबाई लेंगे, तो कंप्लीट लंबाई लेंगे, कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, 37 है तो 37 ही ले लेंगे पूरा। अब हम इस पे भी एक लाइन लगा लेंगे। तो ये देखिए, अब हम कपड़े की चौड़ाई नापेंगे। तो ये हमारे पास कपड़े की चौड़ाई 21 इंच है, 21 के आधे पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, 10.5 हो जाएगा ना, तो 10.5 का निशान लगा के एक पीछे बीच सीधी लाइन डालेंगे। ये बहुत सुंदर प्लाजो बनेगा ए शेप में, आप इस तरफ बनाना तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, लाइन लग गई ना। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हिप नापनी है। पहले देखिए, 40 ही पे 40 का आधा हमने 20 किया, अब 20 का भी आधा करेंगे, तो हमने 10 ले लिया, 10 में हम 3 बढ़ाएंगे तो 13 होंगे ना। तो ये देखिए, अब हम 13 इंच का निशान लगाएंगे इस लाइन के बीचों बीच। तो ये देखिए, 13 का निशान लगाने के बाद अब हम 13 का आधा करेंगे, 6.5 हम इधर लेंगे और 6.5 ही इधर लेंगे, ठीक है, 6.5 6.5। अब सेम ये ही चीज़ हम ऊपर भी लेंगे, 6.5 लाइन के इस साइड लेंगे और 6.5 लाइन के इस साइड लेंगे। अब लेने के बाद इन दोनों को मिला देंगे। ये देखिए, ये बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर प्लाजो हम बना रहे हैं। अपने बुटीक पे हम यही बनाते हैं ज़्यादातर। अब देखिए, 3 इंच हम इस साइड को बढ़ाएंगे, ये हमारी आसन की गोलाई बनेगी, ठीक। अब देखिए, गोलाई बनने के बाद अब हम इसे तिरछा मिला देंगे। तो देखिए, अभी तिरछापन दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी एक गोलाई डालूंगी तब आपको तिरछापन दिखेगा। अब देखिए, एक यहाँ से भी हम तिरछापन दे देंगे। ये देखिए, जब तिरछापन देंगे तो यहाँ पे बीच में कोना बन जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा, ये देखिए, खड़ी एक लाइन डालेंगे ऐसे करके, जिससे कोना ना बने, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसे 4 तह में है ना, तो 2 तह हम पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इसको हम काटेंगे, 2 तह नीचे वाली छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने काट लिया। अब काटने के बाद वो कपड़ा हटा दिया, और यहाँ पे हम लगभग 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, 4 इंच का हमने निशान लगाया, और यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन खींचेंगे। तो देखिए, 4 इंच हमने जो लगाया, 2 इंच तो मोड़ने का हो जाएगा, 2 इंच पीछे का आसन बड़ा रखेंगे। अब हम देखो काटेंगे किस तरह, पहले पीछे से शुरू किया और फिर ये गोलाई करते हुए पहले काट दिया, ठीक। अब हम एक और निशान लगाएंगे, तो लगभग 7 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और लगा के एक गोलाई बनाएंगे। ये देखिए, ये गोलाई, इस गोलाई से हमारा कभी भी नहीं बीच में से उठेगा। जैसे मोस्टली शिकायत ये होती है कि बीच में से उठ रहा है, जब वो झुकते हैं खींच रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह बना के देखें और विश्वास करें कि बहुत अच्छा प्लाजो बनेगा। ये देखिए, ये प्लाजो कट गया हमारा, एक साइड की कटिंग हो गई। अब हम दूसरी साइड की जो कटिंग करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए चलेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग हो गई।
अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। तो देखिए जो इसके आगे से जो कपड़ा बचा था उसी कपड़े में से हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए ऐसे कोने जैसा कपड़ा बचा है, इसको हम कपड़े को काट लेंगे जिससे हमें पॉकेट बनाने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए हमने कपड़ा काटा। अब ये जो आसन की लाइन है इससे 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, अपने कपड़े को रखेंगे 2 इंच नीचे इसके निशान लगाएंगे, और लगाने के बाद जो कपड़ा उसमें एक्स्ट्रा आएगा उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए ये हमने इतने कपड़े को निकाल दिया, ठीक है। अब पॉकेट हमारी कट गई है। अब देखिए पॉकेट की अब हम लंबाई चेक करेंगे तो ये हमारे पास 15 इंच हो गई है। अब हम 15 का आधा करेंगे तो 7.5, यानी हमें इसकी चौड़ाई 7.5 लेनी है, और ऊपर से 7.5 में 1 कम करके 6.5, ये इसका हिसाब है। जितनी आपकी पॉकेट होगी उसका आप आधा ऊपर नीचे लेंगे और उसमें 1 कम करके ऊपर। तो ये देखिए 6.5 ऊपर हो गया, 7.5 नीचे हो गया। अब पॉकेट हमारी कट गई, अब हम इसे लगाएंगे। तो पहले हम इन दोनों हिस्सों के आसन सिलेंगे, इसका भी और इसका भी। अब हमारे आसन सिल गए हैं, आगे के पोर्शन में अब हम निशान लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, फिर 6 इंच हाथ डालने की जगह का निशान लगाएंगे, मोस्टली 6 इंच का ही होता है। देखिए इन लग गए ना निशान। अब हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और एक कट यहाँ लगा लेंगे। ऊपर का ज़रूरी नहीं है लगाएं, वैसे नीचे का ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हम अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो अब हम अपनी पॉकेट लगाते हैं, तो जो इसके अंदर देखिए अब रख के दिखाते हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर लेंगे, बड़े हिस्से को नीचे। तो ये देखिए ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सिलेंगे। ये देखिए यहाँ तक कट है ना, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक सिल देंगे। अब हमारा सिल गया है, ये देखिए कट तो हमारा लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये अब हम इसको भी पलट देंगे और इसके ऊपर टॉप सीन लगा देंगे। ये देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे जिससे ये बैठ जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा बैठ गया है। अब हम पॉकेट को बंद कैसे करेंगे अब आप उसे देखें। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट है ना, अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह, और नीचे का पोर्शन देखो अब आपका ऐसे हो गया। अब हम इसे पलटेंगे ताकि इसकी सिलाई अंदर चली जाए। ये देखिए अब यहाँ सिलाई लगा लेंगे, देखिए सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधा करेंगे, ये देखिए ये सीधा हो गया। अब हम इसे सिलेंगे इसके ऊपर रख के। ये देखिए यहाँ से यहाँ सिल देंगे और फिर ऐसे सिलेंगे। देखिए अब हमारी सिलाई लग गई, अब हाथ डालने की जगह भी बन गई, और गहरी कितनी है कि आप मोबाइल भी रखेंगे तो आपका निकलेगा नहीं। तो अब देखें अब हम इसे वापस फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके ये जो हमने एक बीचों बीच की एक लाइन लगाई थी ना, इस पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे कट का निशान लग गया। अब यहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे। प्लेटें डालने से बहुत अच्छी, जब नीचे फ्रिल आती है ना बहुत अच्छी आती है। अब देखिए फ्रिल, अब हमें ये देखो प्लेट डालने के बाद 9.5 करना है, यानी हमारे को 9 तो तैयार चाहिए, आधा इंच हमें सिलाई का चाहिए। तो ये 9.5 हो गया। अब इस साइड भी हम 9.5 ले लेंगे। ये देखिए तो इसकी 34 कमर है, 34 कमर है, तो 34 का आधा 17 हो जाता है। 17 में हम 1 बढ़ा के 18 लेंगे, यानी 9 इधर 9 इधर। ये देखिए कितना सुंदर आया ना प्लाजो की फिटिंग, देखने में ही सही लगने लगी। अब 1.5 इंच की कैनवास की पट्टी लेंगे चौड़ाई में, और लंबाई अपने हिसाब से बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग काट लेंगे। अब हम एक बचा हुआ कपड़ा लेंगे उसके ऊपर रखेंगे इसको, और रख के थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के काट लेंगे। अब एक साइड से पलट के सिल देंगे। अब देखिए ये हमारी पट्टी सिल चुकी है,
अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे पलटेंगे, उल्टी तरफ पट्टी को रखेंगे और सीधी तरफ को भेजेंगे इसे। ये देखिए सीधी तरफ पलट के हमने सिल दिया। अब पीछे की फिनिशिंग देखें। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला हिस्सा लेंगे और नीचे से रखेंगे। ये देखिए नीचे से रख के ऐसे सिलेंगे, ये देखिए ऊपर तक सिलेंगे, और जो ये जेब वाला हिस्सा है ना, जेब को ना सिल के पीछे के कपड़े को सिलेंगे। दोनों साइड ऐसी करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की सिलाई लग गई। अब बीचों बीच का आसन पकड़ेंगे, आधा इधर सिलेंगे आधा इधर सिलेंगे। तो ये देखिए आसन सिल गया। अब आसन को हम पकड़ते हैं और पकड़ के देखो आप किस तरह फोल्ड कर रहे हैं हम। ये देखिए अब हम ऊपर से, ये देखिए जहाँ हमारी बुकरम की लगी हुई ना, उन दोनों को मिलाएंगे और मिला के अगर ऊंचा नीचा आया तो उसे काट देंगे, और नहीं आया तो बस जहाँ कट्स का निशान लगाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आया है तो हम इसे काट लेते हैं। और ये देखिए जहाँ पे हमारा मोड़ने का निशान है ना, लाइन लगी हुई है, यहाँ से हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से कट से पकड़ेंगे और चुटकी डालेंगे। रियॉन का कपड़ा है, एकदम वहीं के वहीं बैठ जाता है। ये देखिए पीछे भी लाइन आ गई। अब हम इसे ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद इसको ऐसे सिल देंगे, दोनों मोरी सिल लेंगे। ये देखिए दोनों मोरी सिल गई है। अब हमारे को ऊपर का नेफा बनाना है जिसमें इलास्टिक डालेंगे। तो अब देखो ये देखते हैं हम कितना है, 2 इंच है। तो अब हम पूरे में 2-2 इंच का निशान लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए ऐसे लगाते हुए पूरा नेफा तैयार करेंगे। अब हम इसको मोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे चुटकी डालेंगे और अब हम जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना रख के इसे मोड़ देंगे। देखिए नेफा हमारा इस तरह मुड़ेगा। अगर फिनिशिंग नहीं भी आएगी तो चलेगा। तो अब मैंने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक मैंने काट ली है। अब मैं एक बैक पिन की सहायता से इसे डालूंगी। तो देखिए डालने के लिए ये जो सिलाई होती है ना, ये देखिए बाहर की तरफ है। अगर जिस साइड को सिलाई होगी उस साइड से ना डालें, उसके पीछे की साइड से डालें तो वो अटकेगी नहीं। ये देखिए कितनी ईजीली चली गई। अब हमारी पिन अंदर ही है। अब हम इसको यहाँ रख के सिल देंगे। ये बहुत आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। ये देखिए अब पिन फिर आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए दूसरी साइड निकाल लेंगे और इलास्टिक को सीधा का सीधा ही रखेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर भी इसको पूरा अंदर करके सिल देंगे। डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पे भी। ये देखिए अब इलास्टिक को खींच के एडजस्ट कर देंगे पूरे कपड़े में। ऐसे खींच के देखें एक बार तो बिल्कुल बराबर रहेगा। अब देखिए हम इसके बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे जिससे मुड़े ना। ये देखिए ऐसे खींच लेंगे इसको, ये देखो ऐसे, और खींच के बस। ये देखिए इलास्टिक हमारी डल गई है और फिनिशिंग आप देखें कितनी फिनिशिंग आई है। तो देखिए फ्रेंड्स प्लाजो बन के हमारा रेडी हो गया और कितना सुंदर बना है। ये देखिए दोनों साइड की फिनिशिंग और आप शेप देखो कितनी अच्छी आई है। और पहनोगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितना सुंदर है। हम लोग अपने बुटीक में ज़्यादातर यही वाला बनाते हैं। और पॉकेट देखो इतनी गहरी है कि आपका मोबाइल रखें कुछ भी रखो तो निकलेगा नहीं। तो अब मैं आपको इसका आसन चेक कराती हूँ। तो ये देखिए ये तो इसकी बैक साइड देखो आप कितना अच्छा है। इसमें चेन की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखें आसन, ये देखिए लगभग 2 इंच हमारा बड़ा आया है। एक्सेल साइज में 2 इंच ठीक रहता है। अगर आप डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल बनाएं तो उसका मैंने दे रखा है, अपलोड कर रखी वीडियो, वो देख लें। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।